हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र सर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल सत्येंद्र गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोग के मैथ के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, जैसे कि प्रश्न हम लोग के सामने दिया गया है, दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है, दो संख्या का अनुपात 7:9 है और उनका HCF 12 है, तो उनका LCM निकालिए क्या होगा। और भी प्रश्न है, एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे तथा 5 पैसे के सिक्के 1, 2, 3 के अनुपात में है, यदि उनका कुल मान 30 रुपया हो तब 5 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए कितना होगा। ठीक है, इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न प्रीवियस पेपर का है जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हमारा 18 है दोस्तों, जिसने पार्ट नंबर 17 तक नहीं देखा है कृपया इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर जरूर देख लीजिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे प्रश्न को। चलिए तो जो मेरा पहला प्रश्न है वो क्या कहता है बाबू, ध्यान से सुनेंगे। कहता है दो संख्याओं का अनुपात 7:9 के अनुपात में है और उनका HCF 12 है, तो उनका LCM निकालिए क्या होगा। बाबू आपको एक मैं कंसेप्ट सिखाता हूँ, सबसे पहले इसको डायरेक्ट बनाएंगे तो आप गोल गोल हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक हम कंसेप्ट सिखाते हैं, अगर किसी दो नंबर, जैसे मान लो नंबर है 30 और 20, ठीक है, इसका अगर हम LCM निकालें तो LCM निकालने के लिए अगर हम इसको HCF यानी कि 10 से इसको भाग देंगे तो 10 या 30 और 10 दूनी 20, और ये जो 10 जो निकला है ये जानते हैं क्या है, इन दोनों का HCF निकल के आया है। इन दोनों का क्या है तो HCF है। कैसे है मेरे बाबू, ध्यान देखेंगे, यहाँ पर जो नंबर है वो 30 है, यहाँ पर जो नंबर है वो 20 है, इनको अगर हम इनको 3 × 10 लिख सकते हैं बिल्कुल, इनको हम 2 × 10 लिख सकते हैं, और 10 जो दोनों में कॉमन है ये क्या है, इस 10 को अगर हम बाहर ले लेते हैं, 10 से इनको भाग दे देते हैं तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, ये 10 क्या है मेरे बाबू तो HCF है। HCF का मतलब इन दोनों नंबर से उसको निकाल लिया गया, यानी दोनों नंबर को उससे भाग कर दिया गया, तो हमारा नंबर वो बचा 3 और 2, और 3 और 2 क्या है सह अभाज्य संख्या, ऐसी संख्या जिसके एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। तो बाबू यहाँ से एक चीज़ हम समझ रहे हैं कि यहाँ पर जो 10 हमने लिया है ये क्या है तो HCF है, और यहाँ पर 10 से हम इसमें भाग दिए हैं तो 3 और 2 आया है, तो यहाँ से अगर हम इसमें अगर हम LCM निकाल लें तो LCM बराबर क्या होगा, 10 × 3 और गुना कितना 2 होगा, यही होगा बिल्कुल 10 × 3, तो यहाँ पर जो 10 है ये क्या है बाबू तो HCF है ना यहाँ पर, क्योंकि 10 यहाँ पर यदि HCF निकल के आया है, आई 3 और 2 क्या है ए और बी, मान लो ए नंबर है, तो हमारा यहाँ से एक फार्मूला बन जाता है कि LCM बराबर HCF गुना ए इंटू बी, यानी दो नंबर और HCF को गुना कर देंगे तो हमारा LCM निकल के चला आएगा। ठीक है, तो चले यहाँ पर हम उसी प्रकार इसको सॉल्व करते हैं, LCM हमें निकालना है, तो LCM बराबर क्या होता है, LCM बराबर फार्मूला जो होता है हमारे बाबू HCF गुना ए गुना बी, ए बी क्या है जो अनुपात में दी गई है, और HCF क्या है, HCF तो फार्मूला में क्वेश्चन में ही दिया है, HCF है 12, एक नंबर इसमें 7 है, एक नंबर इसमें 9 है, ए और बी किसी को भी तुम मान सकते हो, इसको गुना कर दो, बस यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, तो 12 × 7 ई हो जाएगा 84, गुना कितना तो 9, अब इसको हम गुना आपस में करेंगे तो 9 × 4 = 36, के 6 हासिल कितना 3, 9 × 8 = 72 और 3 कितना तो 75, यानी कि 756 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मेरे बाबू, ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस प्रश्न को समझ गए होंगे, बढ़ते हैं अगले प्रश्न यानी कि दो नंबर प्रश्न की ओर। क्या कहता है बाबू, ध्यान देंगे, दो नंबर प्रश्न कहता है प्रथम 15 घन पूर्ण संख्याओं का योग बताएं, घन पूर्ण का मतलब होता है मेरे बाबू 1, 2, 3, 4 ऐसे करके, ठीक है, और ऋण पूर्ण यानी कि -1 - 2, ये पूर्णांक मैंने घन पूर्ण यानी घन पूर्ण का मतलब यहाँ से जो धनात्मक संख्या है उसकी बात कर रहा है, कि प्रथम 15 घन पूर्ण का हमें
योगफल बताना है। तो सबसे पहला जो होगा मेरे बाबू, पहला होगा वो एक होगा, इससे आगे जो होगा वो दो होगा, अगला तीन होगा, अगला क्या होगा तो चार होगा, इसी तरह डॉट डॉट करते करते यानी कि 15 तक लेना है, ठीक है। और प्रश्न में ही बोला है कि इनका योगफल निकालने के लिए हम फार्मूला सभी कोई पहले से जानते हैं कि एक फार्मूला होता है, प्रथम प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का योग, एन प्राकृत संख्या का योग, इसका जो फॉर्मूला होता है बाबू जानते हैं क्या होता है, होता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू, एक फार्मूला होता है। इसी फार्मूला पे इसको हम पुट करेंगे, हमारा आंसर निकल के चला आएगा, यानी कि n के जगह पे क्या, यानी कि 15 लास्ट नंबर, तो n के जगह पे लेना है 15। उसके बाद मेरे बाबू n के जगह पर लेंगे हम 15, ठीक है, इंटू 15 प्लस में 1 आप बाटा में कितना हो जाएगा बाबू, तो 2। यहाँ देखेंगे ये 15 आप 15 एक 16 हो जाएगा, ये वाला 16 आप बाटा में 2। अब देखेंगे इसको हम 2 से काट सकते हैं, इसको 2 अठे 16, तो 15 × 8 करेंगे तो 15 × 8 कितना होता है मेरे बाबू, तो 15 × 8 120 होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। कुछ भी नहीं था इस प्रश्न में मेरे बाबू, प्रथम 15 धन पूर्ण का यहाँ पर योगफल बताना है बाबू। तो प्रथम 15 धन पूर्ण का मतलब इसका फॉर्मूला जो होता है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग का n इंटू एन प्लस वन बाई टू, तो इसी पर हम इसको पुट करेंगे, n के जगह पर 15 है तो 15 और 15 एक प्लस 16, 15 × 16 इसको हम काट पीट करेंगे, हमारा 120 इस प्रश्न का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब हम बढ़ते हैं 3 नंबर प्रश्न की ओर, क्या कहता है बाबू ध्यान से देखेंगे। हो कहता है 9 औरतें एक कार्य को 50 दिन में पूरा कर सकती है, यदि 6 औरत और बढ़ा दी जाए तो यह कार्य कितने दिन पहले पूरा हो जाएगा। बाबू एक फार्मूला हम सभी जानते हैं, और नहीं जानते तो आज जान लीजिए, M1D1 बराबर होता है M2 और D2 के, बस इसी पे हम इसको पुट करेंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। M1 के जगह पर कितना है तो 9 औरत है, ये कितना दिन में करता है तो 50 दिन में करता है, 9 औरत किसी काम को 50 दिन में करता है बराबर। यहाँ पर M2 कितना है, यदि 6 औरत और बढ़ा दी जाए, 6 औरत और बढ़ा देने का मतलब मेरे बाबू पहले से 9 औरत थी, 6 और बढ़ा देने का मतलब 9 × 6 कितना हो जाएगा तो 15 हो जाएगा। चलिए 15 औरत हो गए तो अब कितना दिन लगेगा, इसको हम निकालेंगे D2, 9 औरत और बढ़ा दी जाए तो यह काज कितने दिन पहले पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहले पहले पूरा हो जाएगा तो जानते हैं हम क्या करेंगे बाबू, पहले पूरा हो जाएगा तो सबसे पहले इसमें निकाल लेंगे कि टोटल दिन कितना लगेगा जब 15 व्यक्ति होंगे, उसके बाद जो टोटल दिन है उसमें से हम 50 दिन घटा लेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, इसी को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 × 50 और जो 15 उधर गुना में है इधर आके भाग कर देगा, यहाँ से D2 की वैल्यू चली जाएगी। अब इसी को हम काट पीट करेंगे बाबू, 3 से इसको काटेंगे तो 3 × 3 = 9, 3 से इसको काटेंगे तो 3 × 5 = 15, और 5 से इसको काटेंगे 10 बार में, ठीक है, यानी 5 से इसको काटेंगे हम मेरे बाबू कितना तो 10 बार में। अब यहाँ से जो D2 की वैल्यू है, यानी कि D2 है, यहाँ से निकालेंगे, यहाँ पर जो D2 है इसकी वैल्यू कितना आ गया, 3 × 10, यानी कि D2 का वैल्यू आ गया 30 दिन। अब मेरे बाबू यहाँ पर आप देखिए एक चीज़ कि पहले जो है पहले लगता था टोटल 50 दिन, जो पहले दिन लगता था वो लगता था पहले 50 दिन, लेकिन अब लग रहा है 30 दिन, तो कितना दिन पहले काम खत्म हो जाएगा तो 50 में से इस 30 को हम घटा लेंगे बाबू, तो कितना 20 आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, क्योंकि पहले 50 दिन लगता था यानी कि अब लग रहा है 30 दिन, इसका मतलब 20 दिन पहले काम खत्म हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस प्रश्न को आसानी से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न, यानी कि 4 नंबर प्रश्न की ओर, क्या कहता है बाबू ध्यान से देखेंगे। वो कहता है 4 नंबर प्रश्न, 10% तथा 20% की उत्तरोत्तर छूट कितने एकल छूट के बराबर है, यानी कि ये हमारा बट्टा का प्रश्न है। सबसे पहले इसके एक फॉर्मूला होता है a+b+a×b, इसको हम परसेंटेज में ए बी फॉर्मूला के नाम से जानते हैं, बस इसी पे इसको हम पुट करेंगे हमारा आंसर निकल जाएगा। पहले 10% छूट दे रहा है, फिर 20% छूट दे रहा है, और छूट देने का मतलब मेरे बाबू माइनस हम लेंगे, ठीक है, छूट दे रहा है तो माइनस लेंगे, तो ए के जगह पर -10, फिर से बी के जगह पर -20,
उसके बाद 10 गुना 20, 10 गुना 20 करेंगे तो यहाँ पर माइनस, 10 माइनस 20 करेंगे तो यहाँ पर प्लस बन जाएगा, अब बाटा में हो जाएगा 100। यहाँ पर प्लस हमने इसलिए ले रहे हैं बाबू क्योंकि इन दोनों को गुना करेंगे 10 गुना 20 तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 0 से 1 0 ख़त्म, 1 0 से 1 0 ख़त्म। यहाँ हो जाएगा माइनस 10 और माइनस 20 ये मिल के हो जाएगा माइनस का 30, यहाँ पर प्लस 1 गुना 2 ये 2 हो जाएगा। अब माइनस 30 और प्लस का 2 यानी कि माइनस का 28%, कहने का मतलब माइनस का 28% का मतलब मेरे बाबू 28% एकल छूट के वो बराबर है, यानी कि इसका राइट आंसर हमारा 4 हो जाएगा क्योंकि माइनस का मतलब ही तो बाटा होता है बाबू, इसीलिए इसका आंसर 28% हो जाएगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, 5 नंबर प्रश्न है, 1 रुपया, 1 रुपये, 1 रुपये का 10 पैसे कितना प्रतिशत, ओहो 1 रुपये का, 1 रुपये का 10 पैसे कितने प्रतिशत है, 1 रुपये का 10 पैसे कितने प्रतिशत है। मेरे बाबू जो 10 पैसा है इसको हम ऊपर लिखेंगे, आ कंपेयर किससे कर रहा है, 1 रुपया का, 1 रुपया का तो इसको हम लिखेंगे, 1 रुपया में 100 पैसा तो 100 लिखेंगे, 1 रुपया में 100 पैसा तो 100, यानी कि 10 पैसा 1 रुपया का कितना प्रतिशत है, 10 पैसा जो है ऊपर रहेगा और 1 रुपया जिसके आगे का रहता है उसको हम नीचे लिखते हैं, और 1 रुपया में 100 पैसा तो 100 लिखेंगे। आप प्रतिशत में बदलना है तो बाबू 100% का गुना का 100% से गुना करेंगे, इसी को अब हम काट पीट करेंगे आंसर निकल के चलाएगा, ई 100 से 100 खत्म हो गया, यानी कि हमारा फाइनली कितना बच गया बाबू 10%, यानी कि 10 पैसे 1 रुपया का 10% है, यानी कि 10% इसका आंसर ऑप्शन हमारा 2 में दिया गया, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं है मेरे बाबू, बिल्कुल बच्चों वाला प्रश्न था, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न यानी कि 6 नंबर प्रश्न की ओर, क्या कहता है बाबू ध्यान से देखेंगे। 6 नंबर प्रश्न कहता है हमारा, 1 बैग में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के 1:2:3 के अनुपात में है, यदि उनका कुल मान 30 रुपया हो तब 5 पैसे के सिक्कों की संख्या बता दे। बाबू यहाँ पर जो पैसा, यहाँ पर कुल मान दिया गया है रुपया में, जबकि ये पैसा अनुपात है, ये सिक्का की संख्या, ये रुपया नहीं है, तो इसको हम बनाएंगे कैसे ध्यान से देखेंगे बाबू। सबसे पहले इसको हम देखेंगे कि 25 पैसा अनुपात 10 पैसा अनुपात 5 पैसा, यह है ना, इसमें हम देखेंगे कि इसमें सिक्के की संख्या कितनी है बाबू। इसमें जो है यहाँ सिक्के की संख्या जो दे रखा है, सिक्के का मतलब यहाँ पर कॉइन्स, यानी कि सिक्के वो रुपया नहीं, सिक्का यानी कि सिक्का की संख्या दे रहा है। तो सिक्का कितना, यहाँ पर जो सिक्का का अनुपात दिया है प्रश्न में वो दिया है, सिक्का का अनुपात जानते हैं कितना, 25 पैसा वाला 1 है और 10 पैसा वाला 2 गो है और 5 पैसा वाला 3 गो सिक्का है, ठीक है। तो इसको हम चेंज कर लेंगे मेरे बाबू रुपया में चेंज कर लेंगे इनको, ठीक है, इनको हम चेंज कर लेंगे रुपया में। तो रुपया में चेंज करेंगे तो कैसे होगा बाबू ध्यान से देखेंगे, हो हम इसको चेंज करेंगे रुपया में, ठीक है, रुपया में चेंज कर लेंगे बाबू। तो ये बताइए 25 पैसा का 1 गो सिक्का, 25 पैसा का 1 गो सिक्का ये कितना हो गया, तो बाबू ये 25 पैसा ही लिखो क्योंकि ये जो 30 रुपया है इसको हम बदल लेंगे पैसा में, इसलिए इसको पैसा में ही निकालें, ये हो जाएगा 25 पैसा। चलिए 10 पैसा का 2 सिक्का कितना हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा 20 पैसा, चलिए अच्छी बात है। यहाँ देखेंगे 5 पैसा का 3 सिक्का कितना हो जाएगा बाबू, तो ये हो जाएगा 15 पैसा। यहाँ पर टोटल इसको हम जब जोड़ रहे हैं इस पैसा रुपया को, यानी कि यहाँ पर जो रुपया में पैसा आया इसको जोड़ रहे हैं, तो 25 और 20 45 और 15 कितना, तो 60 पैसा आ रहा है, जबकि प्रश्न में दिया है 30 रुपया और 30 रुपया को हम चेंज कर लेंगे बाबू पैसा में। तो जो 30 रुपया है उसको हम चेंज करेंगे पैसा में, तो इसको हम 100 से गुना कर देंगे तो सभी पैसा में बदल जाएगा, ठीक है, और जो 330 रुपया है इसको हमने पैसा में बदल लिया, जबकि एक्चुअल यहाँ पर जोड़ने पर कितना आ रहा है, तो 60, यानी कि जो 30 रुपया है इसको पैसा में बदलेंगे, यानी टोटल जो 60 पैसा का वैल्यू है हमसे निकालना है, यानी 5 पैसा का सिक्का की संख्या, तो 5 पैसा के सिक्के की संख्या कितनी है बाबू, तो यहाँ पर 3 है, यानी 5 पैसे की संख्या कितनी है, तो 3 है, 3 से गुना करेंगे, यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। काट पीट करेंगे हम, काटो इसी को, 30 से इसको काटेंगे तो 30 दूनी 60, 2 से इसको काटेंगे तो ये कटेगा 50 बार में। अब देखेंगे मेरे बाबू कितना बचा, 50
अगुना कितना, तो 3, और 50 अगुना 3 करने से कितना हो जाएगा, 50 तिया कितना, 50 तिया 150, यानी कि 150 सिक्का हो जाएगा टोटल अगर हम 5 पैसा के लिए। तो कितना, 150 हमारा ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। ठीक है, कुछ नहीं था इस प्रश्न में मेरे बाबू, बिल्कुल आसान सा प्रश्न था। यहाँ पर क्या करो, जो सिक्का की संख्या दी गई है इसको तुम रुपया में निकालो, रुपया में निकालेंगे तो ये 25 पैसा या 20 पैसा हो जाएंगे। टोटल रुपया में आ गया 60 पैसा, जबकि एक्चुअल में दे रहा है 300 पैसा, क्योंकि 30 रुपया को हम पैसा में चेंज करेंगे तो ये बेटा हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारा 3000 पैसा। ठीक है, और 3 सिक्का है तो 3 का निकाल देंगे, बस कुछ नहीं था। चलिए अब हम बढ़ते हैं 7 नंबर प्रश्न की ओर। क्या कहता है बाबू, ध्यान देंगे। 7 नंबर जो प्रश्न कहता है हमारा, कहता है एक साल पहले आकाश के पिता की आयु आकाश की आयु की 9 गुनी थी। ठीक है, एक साल पहले की बात कर रहा है, और 3 साल बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु की 5 गुनी होगी, यानी कि 3 साल बाद उनकी जो पिता की आयु है वो 5 गुनी होगी। सबसे पहले देखेंगे मेरे बाबू, आकाश के ये हो जाएंगे फादर, यहाँ पर हो जाएगा आकाश। प्रश्न ही क्या कह रहा है उसको तुम ध्यान से इस पे पहले लिखो, प्रश्न जो कह रहा है उसको तुम ध्यान से लिखो मेरे बाबू। चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं, यानी कि आकाश के इसको हम मान लेते हैं आकाश का फादर हो जाएंगे, आई हो जाएगा आकाश। चलिए अच्छी बात है, ये हो जाएगा आकाश है आकाश के पिताजी। प्रश्न कह रहा है एक साल पहले, तो माइनस एक लेते हैं, एक साल पहले माइनस एक, एक साल पहले, एक साल पहले आकाश के पिता की आयु आकाश की आयु की 9 गुनी थी, यानी कि ये एक साल के था तो ये कितना का था, तो 9 साल का था। चलिए अच्छी बात है, आगे क्या कर रहे हैं बाबू ध्यान से देखेंगे। कहता है 3 साल बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु की 5 गुनी हो जाएगी, यानी कि प्लस तीन साल बाद की बात कर रहे हैं, यानी कि प्रजेंट से वो प्लस 3 साल की बात कर रहे हैं, तो प्लस का तीन साल यानी कि कितना हो जाएगी, तो 1:5। अब देखेंगे बाबू, कहने का मतलब एक साल पहले आकाश एक साल का था तो उसके पिताजी 9 साल के थे, और 3 साल बाद आकाश अगर एक साल के हैं तो उसके पिताजी 5 साल के हैं, ये प्रश्न कह रहा है। लेकिन यहाँ पर जी देख रहे हैं इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो बराबर नहीं है, क्योंकि इनके बीच में अंतर है 4 वर्ष का, इनके बीच में अंतर है 8 वर्ष का, जबकि ये बराबर होने चाहिए। क्यों, क्योंकि एज का जो अंतर होता है बाबू वो हमेशा बराबर होता है। कैसे, आपके पिताजी अगर आज से 10 साल बड़े हैं ना, आपके पिताजी आपके उम्र से अगर 10 साल बड़े हैं तो हमेशा 10 ही साल बड़े रहेंगे, यानी अगर आपके पिताजी आज से 20 साल बड़े हैं तो 20 साल बाद भी 20 साल बड़े होंगे, या 20 साल पहले भी 20 साल बड़े होंगे, तो इसको इक्वल करेंगे। तो इसको सबसे पहले बाबू हम और इस जो एज दी गई है इसको इक्वल करेंगे, और इक्वल करेंगे हम कैसे, यहाँ पर 5 और 1 में अंतर कितना है 4, तो इसमें गुना कर देंगे 4 से, यहाँ पर 5 और 1 में गुना कर देंगे 8, 9 और 1 में अंतर कितना कहें तो 8 से, इसमें 8 से गुना कर देंगे, यानी कि इसका अंतर से ऊपरला में गुना, इसका अंतर से निचारला में गुना, हमारा ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 9 चौका 36, आ ये हो जाएगा 4, यहाँ देखेंगे ये हो जाएगा 8 पचे 40, आ यहाँ हो जाएगा कितना, तो 8। अब देखिए बाबू सब जगह अंतर समान दिख रहा होगा, कैसे, यहाँ भी 32 बरस का अंतर है, यहाँ भी 32 बरस का अंतर है, यानी कि एज का अंतर हमेशा इक्वल होता है। अब देखो बाबू यहाँ पर प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है यहाँ देखेंगे आकाश जो है, अब प्रश्न पूछ रहा है अगले वर्ष आकाश की आयु कितनी होगी बताना है। यहाँ देखो आकाश एक साल पहले 4 साल का था, ठीक है, और 3 वर्ष का बाद वो 8 साल का हो जा रहा है, तो यहाँ पर अंतर कितना बढ़ रहा है, अनुपात में बढ़ रहा है 4, यानी 4 से हो रहा है 8, 4 बढ़ रहा है, जबकि यहाँ पर अंतर कितना है, तो यहाँ भी 4 का है, क्योंकि एक साल पहले और 3 साल बाद यहाँ भी अंतर 4, और यहाँ भी 4 बढ़ रहा है, तो अनुपात 4 का वैल्यू कहाँ से, इतना अनुपात 4 का वैल्यू 4 है, क्योंकि यहाँ पर 4 बढ़ा है अनुपात में, जबकि एक्चुअल में यहाँ पर कितना है, तो 4 का अंतर है, 1 और 3 4, तो 4 का वैल्यू 4, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू, तो 1 हो जाएगा, क्योंकि 1:1 का वैल्यू 1 हो जाएगा। अब जो प्रश्न पूछ रहा है उसके बारे में हम देखेंगे, प्रश्न पूछ रहा है आकाश का उम्र पूछ रहा था, आकाश की उम्र बाबू कितना है ध्यान से देखेंगे, आकाश के एक साल पहले 4 वर्ष का है, एक साल पहले 4 वर्ष का है, यानी कि एक साल पहले 4 वर्ष का है, तो प्रेजेंट में कितना हो जाएगा वर्तमान, यानी कि वर्तमान में कितना हो जाएगा बाबू, एक साल पहले 4 वर्ष का है, तो वर्तमान में 4 में 1 जोड़ेंगे तो वर्तमान में हो जाएगा, लेकिन अगले वर्ष पूछ रहा है, यानी कि 1 वर्ष और इसमें ऐड करना होगा, क्योंकि अगले वर्ष 1 वर्ष जोड़ने से वो वर्तमान में आ गया, आ 1 वर्ष के बाद की पूछ रहा है, तो 1 वर्ष और जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 2 कितना, तो 6,
संभव, यानी कि 6 बरस, ऑप्शन हमारा एक सही हो जाएगा। इस प्रश्न मेरे भाई थोड़ा सा लॉजिकल प्रश्न था, इसको आप आसानी से समझिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न यानी कि 8 नंबर प्रश्न की ओर। कैसे करेंगे इसको ध्यान से देखेंगे बाबू। इसको हम यहाँ पर √54 × √125 का मान ज्ञात करेंगे, यहाँ इसको सॉल्व करेंगे। देखो ध्यान से, √54 को हम लिख सकते हैं 9 और गुना हम 6 लिख सकते हैं, बिल्कुल √9 × 6 लिख सकते हैं, √9 × 6 लिख सकते हैं, बीच में गुना तो गुना। 125 को बाबू हम 125 यहाँ पर दी गई है, जो यहाँ पर मेरे बाबू 125 जो दी गई है यहाँ पर प्रश्न में ही 125 जो दी गई है इसको हम लिख सकते हैं, जानते हैं कितना, 25 × 5 हम लिख सकते हैं, क्योंकि 25 × 5 = 125 बाटा, यहाँ देखेंगे 24 है, इसको हम लिख सकते हैं जानते हैं कितना, 6 × 4 लिख सकते हैं, 6 × 4 = 24 गुना इस 45 को हम लिख सकते हैं 9 × कितना तो 5 लिख सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे बाबू, यहाँ देखेंगे यहाँ 9√6 है, तो 9 का वर्गमूल 3 बाहर आ जाएगा, तो 3√6 लिख सकते हैं बिल्कुल गुना। यहाँ 25 और 5 है, तो 25 का वर्गमूल 5 निकल जाएगा, 5√5 हो जाएगा बाटा। यहाँ देखेंगे 6 × 4 है, तो 4 का वर्गमूल 2 बाहर निकल जाएगा, 2 और √ कितना तो 6 यानी कि 2। यहाँ बचा कितना बेर बाबू, तो यहाँ बचा 2 और √6, 2√6 बचा गुना। यहाँ 9 का वर्गमूल 3 निकल जाएगा, 3 और √5, बस इसी को हम काट पीट करेंगे, हमारा आंसर चलाएगा। देखेंगे बाबू, √5 से √5 खत्म, √6 से √6 खत्म, आई 3 से 3 खत्म, फाइनली क्या बचा बाबू, तो फाइनली बचा 5/2। अब 5/2 का मतलब होता है 2.5 यानी कि अढ़ाई, जब 5 को हम 2 से भाग करेंगे तो अढ़ाई होगा, और अढ़ाई हमारा ऑप्शन 4 में दिया गया था। ठीक है, इस प्रश्न में भी कुछ नहीं था मेरे बाबू, थोड़ा सा कैलकुलेशन था, तो आप लोग प्रश्न को रटिए न मेरे भाई, आप लोग प्रश्न को समझिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न की ओर। क्या कहता है बाबू, ध्यान से देखेंगे 9 नंबर प्रश्न में, आपको एक कंसेप्ट सिखाऊंगा। कहता है निम्नलिखित में कौन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यानी कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सी ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। मेरे बाबू आपको एक चीज़ बताता हूँ, हमेशा याद रखिएगा, किसी भी संख्या की इकाई के स्थान पर अगर 3 हो, नहीं, किसी भी इकाई के स्थान पर अगर 2 हो, 3 हो और 2, 3 और 7 हो और 8, इन चारों में से किसी भी नंबर के इकाई के स्थान पर अगर 2, 3 और 7, 8 हो, वह संख्या कभी भी मेरे बाबू पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बन सकता है। यानी कि दुनिया भी कितनों 12 से 12 चाहे छोटा से छोटा नंबर ले लो, अगर उसका इकाई स्थान 2 हो, 3 हो, 7 हो या फिर 8 हो, वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बनेगी। क्या इसका इकाई स्थान इसमें से है, नहीं, इसका इकाई स्थान 1 है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका इकाई स्थान 1 है ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका इकाई स्थान 1 है ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन मेरे बाबू यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इकाई स्थान पर 8 है, इसीलिए इसको हम नहीं बनाया जा सकते, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इसकी इकाई के स्थान पर 8 है, जबकि इन चारों में से किसी भी संख्या की इकाई का इस चारों अंक में से किसी भी संख्या की इकाई स्थान पर अगर 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, वो संख्या हमेशा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं कहलाएगी। तो इसके इकाई स्थान पर क्या था बाबू, तो 8 था, इसीलिए संख्या हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो आज के बाद ऐसा प्रश्न कभी भी आपसे गलत नहीं होगा मेरे बाबू, ठीक है। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। बढ़ते हम अगले प्रश्न यानी कि 10 नंबर प्रश्न की ओर। क्या कहता है बाबू, ध्यान से देखेंगे 10 नंबर जो प्रश्न है वो कहता है 1 और 12 को छोड़कर 12 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। 12 का गुणनखंड का मतलब जानते हैं क्या होता है बाबू, 12 का गुणनखंड का मतलब होता है ऐसी संख्या जो 12 को विभाजित करती है। जैसे 12 को 1 विभाजित करता है, 2 विभाजित करता है, 3 विभाजित करता है, 4 विभाजित करता है, 6 विभाजित करता है, यानी कि 12 विभाजित करता है। कहने का मतलब 12 के गुणनखंड यानी कि फैक्टर, 12 के गुणनखंड का मतलब ऐसी संख्या जो 12 को
विभाजित करते हैं, यानी बारे जिससे बारे को कटता है, यानी कि बारे को भाग देने पर पूरा पूरा कट जाता है। तो एक से कटेगा, दो से कटेगा, तीन से कटेगा, चार से कटेगा, छः से कटेगा, बारह से कटेगा। क्या इसके अलावा और कोई नंबर है जिससे बारे पूरा पूरा कट जाएगा? नहीं भैया, नहीं है। चलिए अच्छी बात है। अब यहाँ पर प्रश्न बोल रहा है कि एक को भी छोड़ देना है और बारह को भी छोड़ देना है। एक और बारह को छोड़कर बारह के गुणनखंडों की संख्या को बताइए। अब यहाँ पर काउंट करेंगे, एक और एक, दो और एक, तीन और एक, कितना? तो चार। यानी कि चार ऐसी संख्या है बारह के, एक और बारह के गुणनखंड एक और बारह को छोड़ दिया जाए तो चार हमारा गुणनखंड है। ठीक है, तो मेरे बाबू आप इस प्रश्न को भी समझ गए होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सारे प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।